हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका प्राइस 200 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। और दोस्तों, ये स्टॉक 50% का रिटर्न दिया है, वो भी एक दिन के अंदर में। और दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के चेयरमैन ने दोस्तों बताया है साफ साफ कि ये कंपनी का जो प्राइस है बेवजह नीचे जा रहा था, 200 के आसपास बेवजह नीचे जा रहा था। और इसका जो रियल वैल्यू है वो है दोस्तों, सॉरी, उसका जो रियल वैल्यू है वो बताया जा रहा है दोस्तों कि वो 1600 रुपीज़ है। तो सोचिए, आपका पैसा कम से कम तो 8 या 10 गुना हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है दोस्तों, ये कंपनी के तरफ से आया है, ये डेटा है, फैक्ट है, ठीक है। तो वो डेटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपका पैसा 8 गुना हो ही जाएगा या 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। कंपनी जिस हिसाब से बात कर रही है उस हिसाब से तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि कौन सा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है दोस्तों इंदुसेंड बैंक। इंदुसेंड बैंक दोस्तों 1600 रुपीज़ से लुढ़का, और आज के डेट में दोस्तों ये स्टॉक केवल 200 रुपये के आसपास में मिल रहा है, 200 रुपये के, और बहुत अच्छी तेज़ी है। तो यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, डिकोडिंग इन द रीजन बिहाइंड द ह्यूज फॉल इन इंदुसेंड बैंक। मतलब कि आपको यहां पर यह बताया जा रहा है कि इंदुसेंड बैंक का प्राइस क्यों गिरा है, उसका रीजन। अगर देखिए, आपको रीजन पता चल गया तो आप खुद जज कर सकते हो कि यह स्टॉक कैसा है, अच्छा है या इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, पहले बताना चाहते हैं, द मार्केट में बी ओवर रिएक्टिंग स्पेशली आफ्टर द यस बैंक एपिसोड। मतलब कि हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जब यस बैंक के वजह से भी मार्केट में गिरावट हुई थी तब से, ठीक है। और इसका रीज़न भी यहाँ पर देख लीजिए, बताया जा रहा है दोस्तों इंदुसेंड बैंक, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है इंदुसेंड बैंक द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है दोस्तों, दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, ऑफिसर इंडेड आफ्टर 12 ईयर ऑफ द सर्विस, द बैंक शेयर टेकन 30%। मतलब कि दोस्तों, ये शेयर का प्राइस जो है 30% के आसपास जो है लुढ़क चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है, इट वुड नॉट ओनली ड्यू टू द पैनिक ट्रिगर, ठीक है, बाय द कोरोना वायरस आउटब्रेक। मतलब कि दोस्तों, ये बताना चाहते हैं कि स्टॉक का प्राइस गिरा है, ये कोरोना वायरस के पैनिकनेस से नहीं गिरा है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है द बैंक का स्टॉक हैज़ बीन फॉलन फॉर ए वाइल। ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए भाई साहब, ठीक है, ये चीज़ कि आपको द बैंक का स्टॉक हैज़ बीन फॉलन फॉर ए वाइल, मतलब कि जो बैंक का स्टॉक का प्राइस गिरा है वो बस कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है। मतलब जब दोस्तों मार्केट आपको जो है रिकवरी दिखाना स्टार्ट करेगा, ग्रीन कैंडल आपको बॉटम बना देगा, तो ये स्टॉक फिर से अपने 1600 के लेवल पे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि फॉर ए वाइल, मतलब कि दोस्तों, ये जो स्टॉक का ये परफॉर्मेंस हुआ है 200 के आसपास, बस ये कुछ दिनों के लिए और कुछ समय के लिए विकसित है। जस्ट टू गिव प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, जस्ट टू गिव प्रोस्पेक्टिव, इन द लास्ट 1 ईयर द शेयर प्राइस फॉलन बाय द 86% फ्रॉम द 1684 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों 235 रुपीज़ तक ये स्टॉक आ चुका था, 52 वीक लो में चला गया था। लेकिन दोस्तों, अभी भी कंपनी को पता नहीं चला, कंपनी बताना चाहती है कि स्टॉक का प्राइस क्यों गिरा, कोई वैल्यूएशन नहीं। अगर स्टॉक में आप जो है फंडामेंटली कुछ भी एनालिसिस जाके कर लोगे, कोई रीज़न ही नहीं है स्टॉक गिरने का पीछे दोस्तों। अगर कोई रीज़न नहीं है और स्टॉक आपको अच्छी खासी करेक्शन पे मिल रही है, 1600 का स्टॉक आपको 200 रुपीज़ पे मिल रही है, तो भाई सोचना नहीं चाहिए, आपको खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, दिस ट्रेंड इज़ बियॉन्ड माई एनालिसिस, आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न वाई द स्टॉक शुड फॉल इन दिस मैनर। मतलब कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे एनालिसिस करके कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों स्टॉक का प्राइस ऐसे गिरा है, वो भी इस तरह से गिरा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टॉक क्यों गिरा पता नहीं चल पा रहा। अगर दोस्तों स्टॉक गिरा है और उसको कुछ भी रीज़न नहीं है, ठीक है, विदाउट रीज़न अगर स्टॉक का प्राइस गिरा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो स्टॉक फिर से अपने जो है जिस प्राइस पे था उस प्राइस से भी आगे निकलना चाहिए। क्योंकि जो 1600 के लेवल में था, तो हो सकता है कि अब जब ऊपर जाएगा तो दोस्तों 1600 से भी ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। जब यहाँ पर देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, वो सब जो है डिसीजन लेने के बाद बता रहे हैं, बस मैं तो आपको न्यूज़ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि दोस्तों, ये जो क्वार्टर थर्ड रिजल्ट आया था, ठीक है, क्वार्टर थर्ड रिजल्ट का अर्निंग आया था दोस्तों जो इंदुसेंड बैंक का, देर आर नो विजुअल स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है। क्वार्टर 3 में आपको बताया जा रहा है दोस्तों, इंदुसेंड बैंक रिपोर्टेड, क्या रिपोर्टेड, ये चीज़ को मैं थोड़ा सा
फोकस कीजिएगा, रिपोर्टेड दोस्तों 2.18, ठीक है 2.18, यहाँ पर देख लीजिए 2.80% ग्रोस एनपीए, ठीक है दोस्तों ग्रोस एनपीए भी इसका जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है, 4578 करोड़, विच हैज़ इन पे, मतलब कि दोस्तों कंपनी में बताया जा रहा है कि इसका एनपीए जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ था, कंपनी सही से भी चल रही है, लेकिन इसका जो प्राइस गिरा है वो बेवजह गिरा है, अगर आप पूरा रिपोर्ट पढ़ के देखना चाहते हैं तो दोस्तों, ठीक है ये कॉरपोरेट लोन बुक है, ठीक है दोस्तों कितना लोन बुक हुआ था, क्या है, क्या पहले से लोन, मतलब इसका जो भी था लोन देने की ये क्या हुआ, वो डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ, वो सब आपको यहाँ पर बताया जा रहा, लेकिन फाइनली कंक्लूजन में यही लिखा गया कि शेयर का प्राइस क्यों गिरा वो समझ में नहीं आ रहा, और ये ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से भी मान लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जा रहा, लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक रीज़न आपको बताना चाहता है जो ये लोन दिया था जहाँ पर भी इसका एक्सपोज़र था दोस्तों सबसे पहला, तो उसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में इसने एक्सपोज़र दिया था, टेलीकॉम सेक्टर में इसने एक्सपोज़र दिया था, किसको दिया था भाई, तो इसने आइडिया को दिया था, ठीक है वोडाफोन आइडिया को दिया था दोस्तों, वोडाफोन को दिया था टेलीकॉम, तो ठीक है कितना दिया था यहाँ पर देख सकते हैं 3400 करोड़ का एक्सपोज़र था, ठीक है लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि ये जो कंपनी है अभी अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है देखिए यहाँ बाय द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है रूलिंग, यही दोस्तों प्रॉब्लम है कि ये जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया का, तो हालात आप जान रहे हो, ये कंपनी जो है अंडर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया नहीं दे सकता, मतलब कि दोस्तों ये अपना कर्ज को नहीं चुका सकता, तो इसके एक्सपोज़र के वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, और एक जगह इसने एक्सपोज़र दिया था 3000 करोड़ क्या, ठीक है 3000 करोड़ के आसपास दिया है, तो हो सकता है दोस्तों इसका पैसा वापस ना मिलने पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे ही धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है येस बैंक में भी थोड़ी बहुत, तो यही सब इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताया जा रहा था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं सीईओ के तरफ से भी सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है तो मेरे मतलब मेरे हिसाब से लगता है दोस्तों कंपनी नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है कुछ खास नहीं है, लेकिन कंपनी का जितना बताना जाना था दोस्तों, एक्सप्लेन करना था, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि कंपनी क्यों गिर रही है, जो इसका हेडिंग है, हेडिंग देखने के बाद और जो रीज़न है दोस्तों, रीज़न भी वो बताना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ये एक्सपोज़र के कारण, ठीक है थोड़ी बहुत एक्सपोज़र के कारण स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट आया है, लेकिन अगर आज के डेट में भी अगर हम देखते हैं तो दोस्तों स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक लिया है, अराउंड 50% का बाउंस बैक लिया है ये स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो, और ये 200 रुपीज़ तक चला गया, तो दोस्तों आज के डेट में ये 400 रुपीज़ पे है भाई, स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, सॉरी हमें क्या करना चाहिए, ये स्टॉक में हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है अभी हमें वेट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट शांत नहीं हुआ है, अगर मार्केट गिरेगा तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितना भी जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जितने भी स्टेट बंद है, हमारे इंडिया बंद है दोस्तों, लॉकडाउन है, उस हिसाब से मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, एक लिमिटेड हो जा रहा है दोस्तों, एक सीमित एरिया हो जा रहा है जहाँ पर हम मनी ले सकते दे सकते, वो भी क्या बेसिक थिंग्स के लिए, ठीक है दोस्तों बेसिक, जैसे कि मान सकते हो बेसिक नेसेसरी फूड हो गया, ठीक है तो खाने पीने के लिए हम दे सकते हैं, तो मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा आउटसाइड, ठीक है तो इस वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ी बहुत अगर गिरावट हुई तो बैंक निफ्टी भी जरूर गिरेगा, अगर बैंक निफ्टी गिरा तो भाई बैंक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, खरीदिएगा जरूर लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है थोड़ा और भी अच्छा प्राइस में मिलेगा लेकिन आपको प्रॉफिट देगा, तो अभी नहीं खरीदना भाई, ठीक है अभी नहीं खरीदना है मेरे हिसाब से, अगर आपको खरीद अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कैसे खरीदना, ठीक है अभी इस टाइम में आपको 20% आपको अपना कैपिटल लगाना है, क्यों मैं आपको बता दे सकता हूँ, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हावी है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है 20% कैपिटल लगाइए, और जब भी मार्केट में गिरावट आती है 10% लगाइए, केवल 10%, वो भी कब, मार्केट जब अपर मूवमेंट में जाएगा तब नहीं, जब गिरावट आएगी मार्केट में तब कितना लगाना है 10% 10% 10%, तब आपको दोस्तों 80 टाइम्स आपको लगाना है, सॉरी 80% आपको पैसा लगाना है, वो भी 8 टाइम, हो सकता है दोस्तों 2 सप्ताह में मार्केट गिरे, तो ऐसे करके आपको लगाओगे तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।